वैसे नागपुर शहर में मैं भाग्यवान हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 66,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ हुआ है। आज तक के रिकॉर्ड में कभी इतना काम नहीं हुआ, और उसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना में 5,000 लोगों को हम घर भी देने जा रहे हैं। यहां का रोड भी, रिंग रोड भी अच्छा बन रहा है, पार्टी का रोड भी अच्छा बन रहा है, मेट्रो का भी काम शुरू है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत दिनों से जहां जब एक्सीडेंट हुआ था पांडुरंग जी के यहां भी, जिस प्रकार की घटनाएं हुई थी, तब मैं जब मिलने के लिए आया था तब मैंने यह निर्धार किया था कि किसी भी समय इस क्षेत्र में अच्छा मार्केट होना चाहिए। यह पार्टी के पुल के बाजू में जो जगह थी उसमें कुछ फॉरेस्ट की जगह थी, कुछ महाराष्ट्र सरकार की जगह थी, और कुछ जगह प्राइवेट एक्वायर करने का काम था, 61 लोग थे। अब उसी को भी पूरा किया गया है, और जैसे ये स्मार्ट सिटी बन रही है वैसे यहां के गरीब लोगों के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल, हॉकर्स और बाकी सब सुविधा युक्त एक बहुत बड़े मार्केट के भी निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा, उसको भी मंजूरी मिली है, और एनएचआई के तरफ से उसको बांधने का काम जल्दी शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। जहां तक पीने के पानी की समस्या है, अमृत योजना में केंद्र शासन पुरस्कृत जो योजना थी उसमें स्लम और अनधिकृत लेआउट में पानी पहुंचाने के लिए करीब 274 करोड़ रुपए की योजना का भी आज शुभारंभ हो रहा है। इस योजना में भारत सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका का योगदान है। इसमें 43 पानी की टैंक बांधने वाले हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जलवाहिनी है वो करीब 340 किलोमीटर है, और मुख्य जलवाहिनी जो है वो भी करीब 60 किलोमीटर है। और इसमें निश्चित रूप से गरीब लोगों के यहां भी शुद्ध और स्वच्छ जल 24 घंटे मिलेगा। मैं विशेष रूप से बावन करोड़ जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे यहाँ का जो भांडेवाड़ी का जो पानी है वो पानी हम लोग और ज्यादा का पानी कोराड़ी और खापरखेड़ा को देने वाले हैं, और ये काम किसी भी हालत में एडिशनल काम जो है ये 15 मार्च तक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, और 1 अप्रैल से 180 MLD जो महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड का कोराड़ी और खापरखेड़ा के लिए जो रिजर्वेशन है वो भी पानी अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने में अगर नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, नागपुर की जनता के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और इसलिए इस समय कोई भी पानी की दिक्कत नहीं रहेगी, ये भी विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। जहां तक स्मार्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है इसमें 52 किलोमीटर के लंबे रस्ते हैं, 29 ब्रिजेस बन रहे हैं, और इतना ही नहीं तो कम से कम 7,000 LED लाइट लग रहे हैं, मल निस्सरण की व्यवस्था है, 24/7 पानी पुरोट पानी मिलेगा, और पदपथ है, साइकिल ट्रैक है, और यह प्रकल्प पूरा होने के लिए 18 महीने का टाइम लगने वाला है। इसका फायदा 1,13,000 लोग जो इस क्षेत्र में हैं, इनका जीवन बदलने वाला है, पूरा ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहां हो, इतना सुंदर ये अच्छी तरीके से इसका विकास होने जा रहा है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सभी सुविधाएं यहां आने वाली है, और मुझे विश्वास है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के कारण भी यहां साफ सुथरा स्वच्छता आएगी, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। इस प्रकल्प का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, और मुझे लगता है कि 18 महीने में ये सुंदर शहर हमको मिलेगा। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को मैं और धन्यवाद दूंगा कि नागपुर सेफ एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र शासन के IT डिपार्टमेंट की ओर से पुलिस आयुक्त और नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों के सहयोग से सेफ एंड स्मार्ट सिटी का भी प्रकल्प आज, उसका भी भूमि पूजन हुआ है। इस प्रकल्प में 520 करोड़ रुपए खर्चा होने वाले हैं, स्मार्ट सिटी में 3,000 करोड़ खर्चा होने वाले हैं, और पानी के इसमें केवल 280 करोड़ में से 100 करोड़ पूर्व नागपुर में खर्चा होने वाले हैं, और मुझे लगता है कि इसमें 10 15 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी है, यहां सर्वेलेंस के लिए कैमरे बैठने वाले हैं, 3,674 CCTVs है, 140 वाईफाई हॉटस्पॉट्स है, 43 वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड्स है,
10 इन्वायरमेंटल सेंसर बैठने वाले हैं और 56 जगह पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी निर्माण होने वाली है। 5 मोबाइल सर्वेलेंस वैन और 5 ड्रोन से ऊपर से निरीक्षण किया जाने वाला है। 20 स्मार्ट बीन्स बनने वाले हैं और 65 सिटी कियोस्क भी बनने वाले हैं। 383 स्मार्ट लाइट्स लगने वाले हैं। स्मार्ट पार्किंग की भी व्यवस्था है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था है और महानगर पालिका मुख्यालय से सिटी ऑपरेशन सेंटर भी तैयार हुआ है। नागपुर के पुलिस विभाग में भी कमांड एंड उसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। यह इससे पूरा एलएनटी को यह काम मिला हुआ है। मुझे लगता है ये सब प्रोजेक्ट नागपुर की तस्वीर बदलने वाले हैं। पूर्व नागपुर में ये जो रेलवे लाइन जाती है, अंडरपास, ब्रिजेस, कृष्णा जी ने जितने कहा उतने सब सीआरएफ में मंजूर हुए हैं। ये जो कलमना का मार्केट है उसके बाजू में नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जो इतवारी का जो 3 नल चौक का रोड है, जो पुराना भंडार रोड और बड़ा करने का भी कार्य का शुभारंभ हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मेयो हॉस्पिटल से लेकर सुनील होटल तक आने वाला ये जो हमारा पुराना भंडारा रोड, उसके साथ केड़ीबाग रोड, उसके साथ मॉडल मिल से आने वाला हमारे तुलसीबाग को जोड़ने वाला रोड, मनीष नगर का रोड, सदर में जो रोड है, इसके लिए उन्होंने हमको नगरोत्थान प्रकल्प के अंतर्गत लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे की व्यवस्था भी करके दी है और इन सब के कारण रोड भी चौड़े बन रहे हैं। और पहली बार नागपुर में ये हुआ है कि हमारी मेट्रो जो है, पहले ब्रिज होगा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर मेट्रो होगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इतना ही नहीं तो इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं और हमारा एक स्टेशन जो टेकड़ी के पास बन रहा है वो 20 फ्लोर का है, 20 मंजिलों का है। 1 करोड़ एरिया स्क्वायर इस पर डेवलप हो रहा है। नागपुर उद्योग और व्यापार के लिए अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है और कृष्णा जी के विशेष प्रयासों से हमारे यहाँ 450 करोड़ रूपये खर्चा करके यही हमारे रिंग रोड पर सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट के भी काम, लगभग वर्ल्ड इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी का काम पूरा होते आया है। केवल हमारे साई का जो 120 करोड़ का काम है उसको भी मंजूरी मिली है। थोड़े से कुछ मामले बाकी रहे पर जो जो बातें हमने की थी, जो जो वादे हमने किए थे, जो मुख्यमंत्री जी ने किए थे, मैंने किए थे, कृष्णा जी ने किए थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किए थे, वो वादे हमने पूरे किए हैं। जो लोगों को हमने कहा वो करके दिखाया है और वो आज आपके सामने है। ये शहर बदल रहा है, शहर की तस्वीर बदल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो ये सब होने के बाद हमारे शहर के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले और बिहार में करीब 50,000 युवाओं को रोजगार देने का संकल्प हमने किया था और आज तक करीब 22 से 23 हजार लड़कों को रोजगार मिला है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 1 साल में हम निश्चित रूप से 25,000 युवाओं को रोजगार देंगे ताकि नागपुर के नौजवान युवाओं को खाद को काम मिले। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लगभग मंजूरी के कगार पर है। नागपुर के लिए विशेष रूप से हमने जो जो प्रकल्प सोचे थे उनके काम शुरू हुए हैं। ब्रॉडगेज मेट्रो का भी लगभग काम अभी निश्चित रूप से जल्दी ही शुरू होगा। और कल मेरे ऑफिस में दिल्ली में परसों सोमवार को मीटिंग है, 800 करोड़ रुपए मैंने मंजूर किए एनएचआई की तरफ से कि नागपुर के अजनी स्टेशन के पूरे परिसर में जेल की जगह, इरीगेशन की जगह और रेलवे की जगह पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक बहुत बड़ा पैसेंजर हब, जहां से सब जगह बसेस जाएगी, मेट्रो से कनेक्शन होगा, ऐसा बड़ा स्टेशन वहां बनाने के लिए भी मंजूरी मिली है। उसका भी काम हम जल्दी शुरू करेंगे। नागपुर बदल रहा है, लोगों की इकोनॉमी नागपुर की अच्छी हो रही है, नागपुर की इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अच्छी हो रही है, नागपुर में मेट्रो आ रही है, ब्रॉडगेज मेट्रो आ रही है, बायोफ्यूएल का यूज करके हमने बसेस लाई है, इलेक्ट्रिक टैक्सीज लाई है, स्मार्ट सिटी बन रही है, आईटी का उपयोग करके आदर्श शहर बनने की पूरी व्यवस्था हुई है। और यह सब इसलिए हो पाया कि आप लोगों ने हमको आशीर्वाद दिए, आपने कृष्णा जी को, हमारे कॉर्पोरेटर्स को मुझे चुन कर दिया और उसी के कारण हमको काम करने का अवसर मिला है। और आपने जो आशीर्वाद दिया उसका पूरा उपयोग करते हुए हमने नागपुर की तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश की है। मेरा विश्वास है कि अब एक ही समस्या हमारे सामने है। मैं कृष्णा जी को कहता हूं कि पूर्व नागपुर के सभी प्रश्न अगर इसी समय सुलझाए जाएंगे तो अगले बार आप एमएलए बनोगे तो क्या काम करोगे। अब कोई समस्या ही नहीं है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े प्रमाण पर ये जो चेंज हो रहा है,
इसके कारण लोगों को भी उसके कारण बहुत बड़ा समाधान है और इसके लिए आज जनता का भी इतने बड़े प्रमाण पर लोग, मैं उधर देख रहा हूं पीछे तक मुझे मालूम नहीं आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर तक लोग बैठे हैं, इधर पूरा रोड बैठे हैं, ये बिल्डिंग पर लोग बैठे हैं, घरों पर लोग बैठे हैं, ये जो सब आप लोग आए हैं ये हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और आप इसलिए आए हैं कि आप सब लोगों का मेरे ऊपर, देवेंद्र जी के ऊपर, कृष्णा बाबू के ऊपर, हम सबके ऊपर जो प्रेम है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं कुछ दिन पहले हम लोग भवानी हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए आए थे, हमारे पांडुरंग जी और हमारे सब लोगों ने मिलकर इतना सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण किया है, हेल्थ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी के दृष्टि से सभी बातों का हमने, ये ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सभी बातों को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का एक अच्छा उदाहरण नागपुर को मिला है। विशेष रूप से मैं भी एक महसूस करता था कि जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ पिछड़ा हुआ रहता है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।